G20 पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय तीसरी बैठक सोमवार से श्रीनगर में शुरू होगी। डल झील किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में विभिन्न राष्ट्रों के 60 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। आकाश से लेकर जमीन तक निगहबानी होगी। डल झील में मार्कोज कमांडो का पहरा है और लाल चौक समेत शहर के कई इलाकों में NSG कमांडो ने डेरा डाला हुआ है। डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर 3 दिनों तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक अलर्ट जारी है। सीमावर्ती जिले कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा में IB व LOC पर जवानों के अतिरिक्त कार्यबल सहित सतर्कता बरतने के हिदायत दी गई है। सम्मेलन के पहले दिन दोपहर बाद प्रतिनिधियों को SKICC में आगमन होगा और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उनका स्वागत होगा। क्राफ्ट बाजार में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी होगी और विभिन्न तरह के सांस्कृतिक संरक्षण हेतु पर्यटन और फिल्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। G20 में शामिल होने वाले प्रतिनिधि परी महल, चश्माशाही, मुगल गार्डन का दौरा करेंगे और साथ ही वे पेलो व्यू मार्केट का दौरा करेंगे। सोमवार से यहां होने वाली 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन पर सभी की निगाहें हैं। श्रीनगर मेजबानी के लिए तैयार है। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को उम्मीद है कि इस आयोजन से यहां की पर्यटन क्षमता अस्थायी तौर पर बढ़ेगी। यहां पर इको टूरिज्म और फिल्म से रिलेटेड तमाम अवसर बढ़ेंगे। ये बातें G20 कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने रविवार को बताया। श्रृंगला ने कहा कि श्रीनगर बड़े पैमाने पर रूपांतरण से गुजरा है। युद्ध स्तर पर फाइबर केबल बिछाई जा रही है और युद्ध स्तर पर ही एक बड़ा विकास हो रहा है। G20 कार्यक्रम पहली बार भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हिस्सों में हो रहा है। G20 के बारे में देश के सभी हिस्सों में बड़े पैमाने पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से श्रीनगर में G20 कार्यक्रम के लिए मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। श्रृंगला ने कहा है कि इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा है कि पर्यटन पर अंतिम बैठक गोवा में होगी और इस लिहाज से यह बैठक महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। श्रीनगर में वर्किंग ग्रुप की इकलौती बैठक होगी और हमने देशों की उत्कृष्ट प्रतिक्रियाएं देखी हैं ताकि इस बैठक को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा सके। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने भी कहा है कि बीते कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के पर्यटन प्रवाह में वृद्धि देखी गई है। 2022 में 1.88 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और इस नई बैठक के बाद से यहां पर दर्शकों के बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। अरब के एक इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा ने वीडियो ट्वीट कर कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए यहां के बारे में बताया और ये कहा कि यहां पर होने वाली G20 बैठक बहुत ही विशेष है और पृथ्वी का स्वर्ग यानी कि कश्मीर में ये बैठक खास तौर पर हो रही, तो इसलिए इसकी महत्व और बढ़ जाएगी। शनिवार को ट्वीट में भी कई सारे लोगों ने इस बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि इससे पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं। इससे पहले पंजाबी गायक और हनी सिंह ने भी कई बार G20 बैठक की मेज़बानी करने के लिए जम्मू कश्मीर के सुरम्य क्षेत्र पर अपना उत्साह व्यक्त किया और इसके अलावा देश भर के तमाम फिल्म स्टार से लेकर गायक कलाकार, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, तमाम जो लोग कलाकार हैं वो भी इस बैठक को लेकर एक विशेष आसामान नज़रों से देख रहे हैं। तो देखना यह है कि इस बैठक में अब नतीजा क्या निकलता है, क्या कुछ नया देखने को मिलता है।